कैसे हो बच्चों? क्या हाल है बेटा सभी के? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, द लास्ट एंड फाइनल ग्रुप है इस प्लांट किंगडम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट एडवांस ग्रुप है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा फटाफट से आ जाओ और शेयर कर दो इस सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ। शाम सिंह, हेलो बेटा। बेटा एंजियोस्पर्म्स के बारे में कुछ बातें मैं तुमको आज बताऊंगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग देख पाओगे कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके अंदर फ्लावर आते हैं। ठीक है, एक इकलौता ग्रुप है जिसके अंदर फ्लावर आते हैं, वो है एंजियोस्पर्म। मोस्ट एडवांस दो पार्ट में डिवाइड होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट दो पार्ट में डिवाइड होता है, समझ गए? चलिए बच्चों, तो शुरू करेंगे लेक्चर को। बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बारे में कुछ एक दो बातें मैं लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, फिर हम इसको बहुत डिटेल में आज देखने वाले हैं। पूरा चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे। एंजियोस्पर्म्स क्रिप्टोगैम होंगे, यानी कि सीड बियरिंग फ्लावरिंग। सीड बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे सूर्यवंशी, लाल सिंह, आओ बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग, हेलो। तो सीड बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट है, इनके अंदर एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो हम देखेंगे। वो क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है, तो हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो है, और एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट सबसे एडवांस ग्रुप है, फिर डाइकॉट, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है, उसके अंदर मोनोकॉट सबसे एडवांस है। बच्चों मेरा नाम राहुल शर्मा है और ये मेरा कोड है, जिसको लगाने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिसको लगाने पे आपको 10% का सीधा ऑफ मिल जाएगा आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, असिस्टेंट कोड लगाइए और मेरी पर्सनल मेंटरशिप प्रसाद में 10% ऑफ। बच्चों मुझे पिछले 5 साल हो चुके हैं बायोलॉजी पढ़ाते हुए मेडिकल के विद्यार्थियों को, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई मन में शंका, कोई भी डाउट आ रहा है पढ़ते हुए, तो आज का डाउट सेक्शन पे जाइए अनअकैडमी के। जस्ट डू द थ्री सिंपल थिंग, क्लिक क्रॉप एंड आस्क। आप सिंपल फोटो खींचिए और उसको पूछ लीजिए उस सवाल। ठीक है, अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट लगता है तो बग्स बाउंड्री की तरफ उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इस समय सबसे बेहतरीन चीज है, बहुत अच्छे से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने कंफर्ट में अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस में रहोगे। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट काउंटर्स, एग्जीक्यूटिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस, सब कुछ है आपके पास। और 24 मंथ की जो फी है बेटा, वो मात्र 25,000 है। अगर हमने यहाँ पे आर एस एच टेन कोड लगा दिया, यहाँ पे अगर हमने आर एस एच टेन कोड लगा दिया, तो बच्चे ये जो फी है ये हो जाएगी 22,500 सिंपल। ठीक है, 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक नो कॉस्ट ईएमआई भी तुम्हारे पास है। और जिनको लगता है कि सर हमको पर्सनल मेंटर की जरूरत है, हमको एक पर्सनल मेंटर चाहिए ही चाहिए, हमको बहुत पूरी मतलब शिद्दत से प्रिपरेशन करनी है, तो वो आइकॉनिक के लिए जाएंगे बच्चे। आइकॉनिक एक बेहतरीन पैकेज है जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, प्लस के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, पेरेंट कनेक्ट, सब कुछ है। और 48,000 इसकी 2 साल की फी है, जिस पे आपको 4,800 ऑफ मिल जाएगा। ये 2,000 की ईएमआई आपकी 1,800 की हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे कोड डाल दिया RSH10। 11th वाले बच्चों को मेरा रिकमेंडेड है कि वो आइकॉनिक ही लें, और 12th वाले बच्चों को रिकमेंडेड है कि 12th मंथ का आइकॉनिक। ठीक है, चलो तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रोटेबल,
चलो बेटा, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। बेटा फ्लावर्स कहाँ आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में ही आते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल तुमको मिलते हैं। बहुत सारे रंग बिरंगे फूल का फूलों का काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना। तो फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले तो बात कर लें कि जो फूल खिला है बगिया में, ये फ्लावर होता क्या है? फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गाइनोशियम होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं हमारे एंथ्रम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं हमारे स्टाइल ओवरी। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर के जो दूसरे पार्ट होते हैं वो होते हैं पेटल एंड सेपल। सभी को यहां तक की बात समझ में आ रही है बेटा? इसके अलावा कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास? पेटल एंड सेपल। इसके अलावा कौन से पार्ट होते हैं? ब्रदर कुतवर बेटा, गुड इवनिंग। समझ में आ रही बात सभी को? साक्षी, श्याम, लाल सिंह, हिमांशु शर्मा, हेलो हिमांशु। चले आगे बढ़ते बेटा। एंजियोस्पर्म, द एंजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लावर। पोलन ग्रेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेटोफाइट और ओव्यूल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। यहां पे जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के द्वारा एनक्लोज्ड रहती है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू द टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर। यानी कि छोटे प्लांट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया, ऐसे प्लांट जो कि बहुत छोटे होते हैं, उससे लेकर बड़े बड़े 100 मीटर की हाइट वाले यूकेलिप्टस तक इसमें मिलते हैं। छोटे प्लांट वुल्फिया, जैसे वुल्फिया एकदम छोटा सा प्लांट है, टाइनी प्लांट है, पर यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस 100 मीटर तक का प्लांट होता है। 100 मीटर की हाइट होती है उसकी, बहुत लंबा प्लांट। अब ये हमको फूड भी देते हैं बेटा, वाटर भी देते हैं, फ्यूल भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं और सेवरल अदर कमर्शियल इम्पोर्टेंट। अब ज्यादातर मोनोपॉड प्लांट हमारा मेन फूड है, ठीक है, चाहे बीट हो गया चाहे राइस हो गया, हम लोग ज्यादातर मोनोपॉड प्लांट ही खाते हैं, उनके सीड्स ही हम लोग खा रहे हैं। पहचान पा रहे हो? राइस क्या है? मोनोपॉड है। बीट क्या है? मोनोपॉड है। मेज क्या है? मोनोपॉड है। बाजरा क्या है? मोनोपॉड है। तो ये सब जनरली हमारा जो मेन फूड सप्लीमेंट है, जैसे कि अगर साउथ इंडिया में बात करें तो राइस,
वही मोनोकॉट है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो वीट, ठीक है, और कई जगह मेज। तो हमारा मेजर फूड सप्लीमेंट कहाँ से आ रहा है बेटा? एंजियोस्पर्म से आ रहा है। तो हम मेजर फूड खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है हमको? एंजियोस्पर्म से ही मिल रहा है। समझ गए बेटा? लाइक एंड शेयर करो भाई सेशन को सारे, समझ गए? चल, अब आप अगर एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर, रूट सिस्टम, ये बुल्फिया है बेटा। ये फ्लावर मिलेगा आपको सिर्फ यहाँ पर, एक्सिलरी बड, टर्मिनल बड, लीफ, ठीक है, इंटर नोड, नोड, स्टेम। अब जो लीफ है बेटा वो मोनोकॉट में अलग होगी, बहुत सारी चीजें मोनोकॉट में अलग होगी और डाइकॉट, इसलिए हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। फिर तुमको एक बता रहा हूँ जनरल, मोनोकॉट की जो लीफ होगी बेटा वो कैसी होगी? मोनोकॉट की लीफ होगी ऐसे, ठीक है, पैरेलल वेनेज। और डाइकॉट की रूट वो लीफ कैसी होगी बेटा? डाइकॉट की लीफ होगी ऐसे। ये पैरेलल वेनेशन है, और ये रेटिकुलेट, ये क्या है बेटा? रेटिकुलेट। समझ गया बात? सूजल बेटा, मुस्कान, आओ, वेरी गुड साक्षी। चले, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? और जो यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे चले हम लोग। चलिए अब हम बात करेंगे, मेरे को यहाँ से हटना पड़ेगा ताकि तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझा सकूं मैं क्या एंजियोस्पर्म्स के बारे में, ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से देखो बेटा इस चार्ट को, ये चार्ट तुमको सब कुछ बता रहा है जिसकी जरूरत तुमको है पढ़ना चाहिए, जो एंजियोस्पर्म में सब कुछ बता देगा, ये फ्रूट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर बता देगा, क्लासिफिकेशन बता देगा। कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जाइलम, वेसल और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सब कुछ है। सबसे एडवांस है सीड आर एनक्लोज इनसाइड दी फ्रूट, ठीक है। तो सीड आर, सीड कहाँ मिलते हैं बेटा? फलों में मिलते हैं, आम के अंदर मिलता है सीड, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में, ऑरेंज में, सब फ्रूट के अंदर सीड मिल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल एंड्रोशियम है, फीमेल गाइनोशियम है, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? यहीं पर ही होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो ग्रुप में बांटा हुआ है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में एक कोटिलेडन है, डाइकॉट में दो कोटिलेडन है, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। देयर सीड्स हैव ओनली वन एम्ब्रियो, लीव्स आर आइसोबाइलेटरल पैरेलल वेनेशन, जैसे मैंने बताया था तुमको, तो पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल व्हीट, अनियन, मेज, व्हीट, अनियन, मेज। Their seeds have two cotyledons in the embryo. Leaves are dorsiventral, reticulate venation. Example neem petal, mango, pea, mustard. ठीक है, reticulate venation होती है, मैंने तुमको बताया दिया है क्या होती है reticulate venation। चल, और ये होता है बड़ा डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट, पूरा पूरा यहाँ से ये तुम लोग देखोगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है, पोलन ग्रेन जाएगा, यहाँ पे दो मेल गैमेट होंगे, एक एग के साथ फ्यूज करेगा, एक पोलन न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करेगा, एक जायगोट बनाएगा और एक एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट बहुत ज्यादा ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसके अंदर।
ये है पोलर न्यूक्लियाई। ये है एक्स है, ठीक है बेटा। और यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पोलन ट्यूब आ रही, हम पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब क्या लेके आएगी बेटा, दो मेल गैमेट लेके आएगी। पोलन ट्यूब क्या लेके आएगी, दो मेल गैमेट होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दो मेल गैमेट होते हैं, तो ये क्या है, एक मेल गैमेट तो फ्यूज होगा एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो वन मेल गैमेट प्लस एग क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, कहाँ प्रेजेंट होगा, सीड में। और दूसरा मेल गैमेट सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लिया के साथ। अब पोलर न्यूक्लिया के अंदर ऑलरेडी दो न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लिया के अंदर ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है, एक ही फ्यूज हो जाएगा जाके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। अभी क्या बनेगा, थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या बनाएगा आगे जाके, ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा बेटा, इस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड। थैंक यू सो मच भरत, समझ गए यहां तक की बात है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। चलिए बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी जानने वाली, कि डबल फर्टिलाइजेशन आजकल होता क्या है, जो हमने जान ली है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया मेरी तरफ से खत्म। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बचा है, वो हम लोग कर लेंगे। सर आज आप इतना बेटा, आज मैं सैड नहीं हूँ, आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, फीवर है, वो तो मैं तुम्हारे लिए आ गया क्लास लेने, वरना आज मैं सोच रहा था कि छुट्टी कर ली जाए, तो क्लास लग चुकी थी इसलिए मैंने क्लास ले ली, ठीक है। ठीक बच्चों, तो इस सेशन को बच्चों शेयर करना जरूर से, और ये मेरा कोड है जिसके जिससे आप लोग आर एस स्टैंड कोड लगाएंगे तो क्विजेस ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ भी चीज़ अनअकैडमी पे फ्री में ट्राई करनी है तो ये वाला कोड लगाइए और उसको फ्री में ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सही बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, मिलते हैं 8 बजे, मिलेंगे अनअकैडमी 11th एंड 12th। नया चैप्टर शुरू करूंगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नया चैप्टर शुरू करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चालू करेंगे, कहाँ पे, अनअकैडमी 11th एंड 12th पे। ओके भरत, चलो भाई बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय। Gracias.